हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में, जो कि एक स्टैंडर्ड साइकिल है। इससे पहले हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बारे में बात कर चुके हैं। जो साइकिल ये ऊपर दिए गए 6 एजम्पशंस को फॉलो करता है उसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहते हैं। ऑटो साइकिल क्योंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल है तो ऑटो साइकिल भी ये 6 एजम्पशंस फॉलो करता है। ऑटो साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन और कह सकते हैं पेट्रोल इंजन के लिए एक रेफरेंस साइकिल है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं और सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। सभी प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। 1-2-2 जो प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और 2-2-3 जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है, 3-4 आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, एंड 4-2-1 जो प्रोसेस है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। साइड में आपके सिलेंडर के फॉर्म में इसको समझाया भी गया है डायग्राम के फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1-2-2 जो प्रोसेस हुआ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, यहाँ पर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और ये सिलेंडर के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा हुआ है, तो हीट ट्रांसफ़र ना तो सराउंडिंग से सिस्टम को भी और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग को। ओके, 2-2-3 प्रोसेस वो हीट एडिशन प्रोसेस है, तो इसमें हम इंस्टेंटली किसी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को इस सिलेंडर के संपर्क में लाएंगे और वो अपनी, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है और सोर्स है, तो वो अपनी हीट किसको ट्रांसफ़र कर देगा, इंस्टेंटली एयर को। और एयर को जैसे हीट मिलेगी, इंस्टेंट मिलेगी हीट, तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये जो प्रोसेस होगा वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होगा। और क्योंकि वॉल्यूम पर चेंज नहीं होगा तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए जो हमारा प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब जो हीट हमने ट्रांसफ़र की एयर को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब 2-3 प्रोसेस में एयर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन 3-4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है तो एयर के पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एयर हाई फोर्स के साथ यहाँ पर एक्ट करेगी। और जब फोर्स लगेगा एयर का पिस्टन पे तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, और डाउनवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, एयर का डिक्रीज होगा। देन आता है 4-2-1 प्रोसेस। 4-2-1 प्रोसेस में यहाँ पे एक लो टेम्परेचर सिंक को इसके कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो एयर अपनी हीट इंस्टेंटली किसको ट्रांसफ़र कर देगी, सिंक को ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र इंस्टेंट है इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो टेम्परेचर एयर का डिक्रीज होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, जो हम यहाँ से देख सकते हैं। 4-2-1 प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, और टेम्परेचर क्या हो गया, सॉरी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो। इसी तरह जब हीट हमने ऐड की थी तो प्रेशर बढ़ गया था और वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। प्रेशर क्यों बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, तो हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये हमारा PV डायग्राम था, ये क्या है आपका TS डायग्राम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2-3 प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम क्या करते हैं, हीट ऐड कर रहे थे, और हीट ऐड करने से टेम्परेचर क्या हो रहा था, तो यहाँ से आप देख सकते हो इंक्रीज हो गया। इसी तरह 4-2-1 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट कर रहे थे, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, फिर डाउन हो गया, 4 का टेम्परेचर ज़्यादा, 1 का टेम्परेचर कम है। इसी तरह 3 का टेम्परेचर हाई है, 2 का टेम्परेचर लो है। ओके, ऑटो साइकिल में 3 पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, इस PV डायग्राम से देख सकते हो, और यहाँ TS डायग्राम से देख सकते हो टेम्परेचर। 3 पॉइंट पर प्रेशर और टेम्परेचर ऑटो साइकिल को करता है मैक्सिमम। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो। ओके, कंप्रेशन रेशियो बेसिकली वॉल्यूम्स का रेशियो है। ओके, V1 जो वॉल्यूम है एयर का इनसाइड द सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन, और जो 2 पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो एयर का आफ्टर कंप्रेशन। ओके, तो जब हमारा पिस्टन BDC पे होता है तो जो एयर होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है, P1, क्योंकि अभी कंप्रेशन स्टार्ट नहीं होता, दैट मीन बिफोर कंप्रेशन। फिर पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो एयर का क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और जब TDC पे जब पिस्टन पहुंच जाता है तो कंप्रेशन प्रोसेस एंड हो जाता है, और
तो जब कंप्रेशन प्रोसेस एंड हो जाता है तो हम फाइनली कंप्रेशन प्रोसेस के एंड होने पर हम कहाँ पे पहुँचते हैं, टू पॉइंट पे। ओके, तो ये जब हमारा कंप्रेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा तब हमारी एयर का क्या है, वॉल्यूम। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एयर बिफोर कंप्रेशन टू आफ्टर कंप्रेशन। ओके, तो बिफोर कंप्रेशन एयर का वॉल्यूम कितना था, वी वन, और आफ्टर कंप्रेशन क्या है, वी टू। तो बेसिकली वी वन बाई वी टू का क्या है, रेशियो। ओके, जो बी डी सी से टी डी सी के बीच का जो वॉल्यूम होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एस। ठीक है, और जो ये टी डी सी के बाद जो ये वॉल्यूम बच गया सिलेंडर का, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और अवकाश आयतन बोलते हैं। ओके, तो ये टी डी सी में जो पिस्टन पहुँचता है तो हमारे यहाँ साइकिल पोजिशन क्या होती है, टू। इसका मतलब जो टू पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम के इक्वल होगा और अवकाश आयतन के इक्वल होगा। ओके, और वन पॉइंट का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये बी डी सी में जो पिस्टन होगा उसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम है वी वन है, ठीक है, और ये क्या है, वी सी है। ठीक है, तो वी वन माइनस वी टू क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम, किसके इक्वल होगा, वी एस के। ओके, इतना आपको समझ में आया। ये फोर प्रोसेस मैंने बताया था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये देख लो। ठीक है, तो ये टी टू बाई टी वन, वी वन बाई वी टू, गामा माइनस वन, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है। ये मैंने जब प्रोसेसेस पढ़ाए थे तो बताया था। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एडिशन का प्रोसेस सॉरी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ सी वी टी थ्री माइनस टी टू, ये टी थ्री माइनस टी टू क्या है, डेल्टा टी, दैट मीन्स टेम्परेचर में डिफरेंस। ओके, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, क्योंकि इसमें हीट ऐड किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फाइनल ज़्यादा हो, इनिशियल कम होगा। तो यहाँ सी वी टी थ्री माइनस टी टू, वापस से रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंस, क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर एंड जो हमारा वॉल्यूम है उसमें रिलेशन होगा, टी थ्री बाई टी फोर इक्वल टू वी फोर बाई वी थ्री गामा माइनस वन। नेक्स्ट प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, सी वी डेल्टा टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर टू वन में हीट रिजेक्ट हो रही है, तो फोर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वन का टेम्परेचर कम होगा, तो सी वी टी फोर माइनस टी वन। वैसे तो जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है, क्योंकि हीट को हमने पहले से ही मान लिया कि हीट क्या है, रिजेक्टेड है। इसका मतलब इसको हम पहले ही क्या मान चुके हैं, नेगेटिव मान चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यू ली। यदि हम नेगेटिव साइन पहले से अज्यूम नहीं करें, जहाँ पे भी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इस फॉर्मूले को जब इस हीट को यूज़ करेंगे हीट बैलेंस में, तो हम पहले इसके क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। यदि आप हीट कैलकुलेशन में नेगेटिव नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं टी वन माइनस टी फोर। ओके, इस फर्स्ट रिलेशन और इस थर्ड रिलेशन से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वी वन बाई वी टू है। ओके, और आपको पता है कि वी फोर इक्वल टू क्या होता है, वी वन होता है, और वी थ्री इक्वल टू क्या होता है, वी टू होता है। इसका मतलब वी वन वी फोर की जगह पे हम वी वन पुट कर सकते हैं, वी थ्री की जगह पे वी टू पुट कर। इसका मतलब ये क्या है, वी वन बाई वी टू गामा माइनस वन है। ठीक है, तो वी वन बाई वी टू गामा माइनस वन यहाँ पे, और वी वन बाई वी टू गामा माइनस वन यहाँ पे भी, और ये वी वन बाई वी टू गामा माइनस वन टी टू बाई टी वन के इक्वल है, और ये वी वन बाई वी टू किसके इक्वल है, टी थ्री बाई टी फोर। इसका मतलब जब लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं तो राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब टी टू बाई टी वन इक्वल टू क्या होगा, टी थ्री बाई टी फोर होगा। तो ये हमने लिख दिया, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया कि टी फोर को ऊपर ले गए और टी टू को क्या है, नीचे ले गए। तो ये क्या बन गया, टी फोर बाई टी वन इक्वल टू टी थ्री बाई टी टू। ओके, जो ही एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है नेटवर्क अपॉन हीट एडेड। ओके, फर्स्ट लॉ से हमने पढ़ा था नेटवर्क इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर, किसी भी साइकिल के लिए नेटवर्क इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर होता है। इस साइकिल में हीट ट्रांसफर केवल दो ही प्रोसेस में होगा, टू टू थ्री और फोर टू वन, क्योंकि वन टू टू आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। थ्री टू फोर भी हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो केवल हीट ट्रांसफर टू टू थ्री एंड फोर टू वन प्रोसेस में होगा। तो नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा, क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट एडेड का फॉर्मूला हमको पता है, हीट रिजेक्टेड का पता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो नेटवर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, नेटवर्क अपॉन हीट एडेड
हमको पता है नेटवर्क यहाँ से आ गया, हीटर डेड पहले से ही पता है, तो इन दोनों का रेशियो कर देंगे। तो यहाँ पे सी वी कॉमन है, तो सी वी से सी वी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। देन टी थ्री माइनस टी टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू। यहाँ पे टी वन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से टी टू कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है टी फोर अपॉन टी वन इक्वल टू टी थ्री बाई टी टू, तो हमको पता है कि ऊपर नीचे वाले टर्म्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये क्रॉस आउट हो जाएंगी, फॉर्मूला आ जाएगा वन माइनस टी वन अपॉन टी टू। ओके, तो इसे दोबारा से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस टी वन को हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, वन माइनस वन अपॉन टी टू बाई टी वन भी लिख सकते हैं। और टी टू अपॉन टी वन क्या होता है, वी वन बाई वी टू, और वी वन बाई वी टू क्या होता है, आर। इसका मतलब टी टू बाई टी वन इक्वल टू आर गामा माइनस वन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला वन माइनस वन अपॉन टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन की जगह पे क्या रख देंगे, आर गामा माइनस वन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन आर गामा माइनस वन। ये हमारे ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है। थैंक यू।